इस वक्त मौजूद है हम रामगंज इलाके में, और यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी का कार्य कर रहा है। देर रात यहाँ पर इस इलाके के अंदर एक छोटी सी कहा सुनी के बाद में एक हत्या होती है, विवाद काफ़ी बढ़ जाता है, और सुबह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएँगे। यहाँ पर बिल्कुल व्यस्तम इलाका था, लेकिन अब पूरी तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं बैरिगेड लगे हुए हैं यहाँ पर, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात है ताकि कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं बिल्कुल चुनाव के नज़दीक हो रही हैं। कुछ मीडिया में ऐसे बयानबाजी भी हुई कुछ नेताओं के द्वारा, क्या राजनीति का खेल आम जनता पर ही खेला जाता है? तब खेला जाता है जब चुनाव आता है। हिंदू और मुस्लिम समाज का आपस में भाईचारा रहा है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं? जी क्या नाम आपका सर? प्रजेंद्र जी। प्रजेंद्र, क्या मामला हुआ था और क्या सुबह के हालात यहाँ पे रहे? सुबह बहुत गंभीर मामला था यहाँ पे। हम जब काम पे आए तो पैदल गए हम रामगंज तक, और यहाँ पे पैदल जाने के बाद अब काम पे से वापस घर जा रहे हैं। अब शांति थोड़ी यहाँ पे, शांति अमन है, सुकून है यहाँ पे। ये भाईचारे से रहते हैं वैसे हम लोग, लेकिन ये लड़ने वाले अलग ही लोग होते हैं। हम सब हिंदू मुसलमान भाई एक तरफ एक साथ रहते हैं, काम धंधा बिजनेस एक है हमारा। जयपुर शहर में अमन सुकून, ये पूरा शहर में अमन रहता है, पूरे जयपुर में सब भाईचारे से रहते हैं, सब प्रेम से। तो भाग्यापुर घटना है, आपकी यहाँ पे दुकान है? दुकान नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मजदूरी करता हूँ मैं। तो सुबह से जैसे ही यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस प्रशासन पूरा पहुँच जाता है, मुस्तैद है? था प्रशासन, था यहाँ पे प्रशासन का अच्छा कार्य देखने को मिल रहा था। सही था, प्रशासन ने कुछ बात नहीं पड़नी थी, सहयोग रहा प्रशासन का और बड़ी मदद रही इसकी, कोई बात नहीं बढ़ने दी। साम्प्रदायिकता अमन कायम के साथ रही और सबके साथ भाईचारा प्रेम रहा। तो जैसे चुनाव हैं, कुछ लोग कुछ नेता जो है चुनाव के साथ में इसको जोड़ रहे हैं कि एक हिंदुओं के द्वारा एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई, इसे जात पात का जो है बड़ा नाम दिया जा रहा है, क्या क्या समझते हैं चीज़ों को आप? सर ये तो राजनीति है, इसमें जनता का कोई लेन देन नहीं है। जनता तो अमन सुकून चाहती है, प्रेम चाहती है जी, सब सद्भावनाओं के साथ रहना चाहते हैं। हमारे देश में अमन सुकून रहे, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सब भाईचारे के साथ रहें और अपने सुकून अमन के साथ रहें। क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिफ खान है जी। ऐसा बताया जा रहा है, मैं चश्मदीद तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जो ज्ञात हुआ उसके अनुसार जो मृतक व्यक्ति है वो अपने छोटे भाई के साथ में कहीं से आ रहा था रात को 11 बजे के आसपास, और उसकी किसी बाइक से टक्कर लग गई थोड़ी सी। उस टक्कर लगने के बाद में उन दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन वो जो जिससे टक्कर हुई थी वो तो चला गया था, लेकिन जहाँ जिस जगह टक्कर हुई वहाँ स्थानीय जो कॉलोनी है वहाँ के कुछ निवासी हैं, कुछ बच्चे थे लड़के नौजवान, उनसे उनके कोई गाले गलौज को लेकर बात हुई, जिसमें उन्होंने उसके सिर पर कोई ऐसी चोट लगाई जिसकी वजह से वो उसका ऑन द स्पॉट देहांत हो गया। उसके बाद से खबर ये लग रही है कि जैसे ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दो बच्चे जो बताए जा रहे हैं, इकबाल और उसका छोटा भाई बताया जा रहा है कि अल्फेज़, वो अपनी नानी की तरफ से खाना खा के आए थे, कुछ भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पर, मोटरसाइकिल की टक्कर होती है, लेकिन उस दौरान कुछ लोग जो युवक थे पीछे से वार करते हैं और वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये यानी कि ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, प्री प्लान नहीं है, ये अचानक क्या हुआ, एक एक्सीडेंट मान, इसको हादसा मान सकते हैं। जबकि मेरा कहना यह है कि जयपुर की जनता इस प्रकार की नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास रहा हुआ है और अभी भी है, और यहाँ के सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं, व्यापारी वर्ग हैं, जो कि कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे जयपुर शहर की फिज़ा में जो है जहर घुले या कुछ ऐसा कुछ हो। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन की भूमिका कैसे रही? पुलिस और प्रशासन की भूमिका बहुत अच्छी रही, उन्होंने कुछ समाज कंटकों को रोकने का प्रयास भी किया, जिन्होंने कुछ गलत काम करने की चेष्टा की यहाँ पर सामने मंदिर की तरफ से, लेकिन उनके रोकने की वजह से ये मामला बिल्कुल शांत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा पुलिस को और प्रशासन को, दोनों को। कुछ स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो भीड़ थी मुस्लिम समुदाय की वो इधर आ रही थी हमला करने के लिए, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ना होता तो, लेकिन जो कुछ राजनीतिक नेता है इसको, जो विपक्ष है मान लीजिए, वो इसको राजनीतिक रंगत क्यों देना चाहता है? मेरा मानना यह है कि जो भीड़ यहाँ पर आ रही थी वो केवल इंसाफ के लिए आ रही थी, अपना जो भी उनकी मान उनके मन में आक्रोश था कि जो घटना घटित हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और मृतक को जो है इंसाफ मिले,
न्याय मिले, ना कि वो किसी चीज़ पर हमला करने आ रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा जाप्ता लगा करके सबको कंट्रोल किया, संयम का परिचय दिया और सभी को प्रेम पूर्वक समझाया कि अपन को ऐसा काम नहीं करना है, जिस पर जो है भीड़ वापस लौट गई। आपको बता दें कि जिस तरीके के साथ में हम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई नहीं है, इसे जो रंग दिया जा रहा है वो गलत रंग दिया जा रहा है कुछ चैनलों की तरफ से। और जो सच्चाई है वो ये है कि दोनों भाई खाना खाकर जो वापस आ रहे थे, कुछ युवक खड़े हुए थे, उनको हटाने की कोशिश की गई, उनसे थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हुई, लेकिन पीछे से जो वो कुछ युवक आए और हमला हुआ और उस हमले के दौरान जो है इकबाल की मौत हो जाती है। लेकिन आज सुबह से काफ़ी जो रामगंज इलाका है पूरा प्रशासन और एसटीएफ की टीमों से भरा रहा, ऐसा भी बताया जा रहा कि बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन कुछ चैनलों के द्वारा यहां पर ऐसा बताया जा रहा कि कर्फ्यू सुबह का लगा हुआ है, यहां पे बहुत ज़्यादा जो खतरा हो सकता है ऐसा कुछ नहीं। स्थानीय लोग आज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त, और पुलिस प्रशासन की जो भूमिका बड़ी अच्छी रही इसमें। और इसमें हमने जो जयपुर के कमिश्नर हैं विजू जॉर्ज जोसेफ, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि ऑफ कैमरा हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ शांत है, बिल्कुल किसी भी तरह का यहां पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता को भी उन्होंने कहा कि शांति बना के रखें। कुछ चंद लोग हैं जो इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं, आम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक और वाक़यात बता दूँ, जिला कैथल में कल एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी बिना किसी कारण के, वो भी एक घटना माने या उसका प्री प्लान माने। लेकिन जो घटना इस वक्त जयपुर रामगंज की बताई जा रही है, ये एक हादसा है, ना कि कोई भी सुनियोजित तरीके से किसी की हत्या करना। हालांकि पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं यहां पर, आम लोगों के द्वारा शांति बनाए रखी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा कुछ इसको गलत रंगत दी जा रही है। आपस में जो भाईचारा ख़राब किया जाता है उसके विषय में हम बातचीत करना है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम के विषय में? इस घटना के बारे में सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम सब मिल के रहे, भाईचारा बना के रखे और ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ने में मरने में कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से आपस में मोहब्बत बना के रखें। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान सबका है, आपको भी यहीं रहना, हमें भी यहीं रहना है। और ये जो घटना हुई है, ये अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए और उसके माँ बापों को हौसला दे, शांति बनाए रखनी चाहिए सभी जी, जी सर हम भी यही चाहते हैं कि हम लड़ने वालों में से नहीं है, हमारा खुद का भाई मरा है लेकिन हम लड़ने वालों में से नहीं, हम तो ये चाहते हैं बात ख़त्म हो जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपस में भाईचारा बना के रखें, इसको राजनीतिक रंगत देने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आप लोगों को हम दिखा रहे हैं रामगंज इलाके, जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है, एसटीएफ की टीमें मौजूद हैं। हालांकि कुछ विपक्ष के नेताओं की तरफ से ऐसे बयानबाजी की जा रही है जैसे आम लोगों के बीच में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। नवतेज टीवी हमेशा भाईचारा बनाए रखने की आप लोगों को अपील करता है, पुलिस प्रशासन बार बार, कमिश्नर भी जनता को जो मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। और भी कुछ युवाओं के साथ में भी जुड़ेंगे इसके विषय में, क्या कहना चाहेंगे कुछ लोग जी? सर हम कहना चाहते हैं कि जयपुर की जो तहजीब है, गंगा जमुना की तहजीब रही है और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वो तहजीब कायम रहे और बरकरार रहे। ये जो घटना थी हो चुकी, लेकिन हम सब लोगों को एक साथ रहना है, एक बन के रहना है और इस घटना को हम घटना से आगे बढ़ना है हमने, ना कि हमको आपस में एक दूसरे से भिड़ना है। हम जैसे अपनी गंगा जमुना की तहजीब है उसी की तरह हमें एक साथ रहना है, सबको साथ देना है और अच्छा रहना है। गलत चलने वाला नुकसान में जाता है, बिल्कुल सही है। हमारी तरफ से हमको ये थोड़ी चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से वो गलती नहीं करते, लेकिन सामने वाला हरकत करके बेनिफिट लेके सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर गया। लेकिन कहना मतलब ये जो मिल के चल रहा है ना उसी में कामयाबी है, और गलत चलने में ज़रा सी भी कामयाबी नहीं है। अगर से आदमी सामने वाले के दिमाग में ये बात हो कि हमने जो करा वो ठीक करा, तो फिर है ना ये ठीक नहीं है, सही चलने में ही कामयाबी है। और हमारे मतलब ये नहीं कि आदमी जैसे जो हरकत करे वो ही सोचे कि मैं बच गया, वो ज़रा सा भी नहीं बचा है वो। भाई ये है कि मालिक से ये दुआ है कि अल्लाह माफ़ करे, हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करें, सब मिलजुल के चले, जो गलत का कोई संगाती नहीं है। चलिए बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जब ईद होती है तो हिंदू लोग जो है
विशेष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं मुस्लिम समुदाय को, और जब दीपावली होती है तब मुस्लिम समुदाय की तरफ से वहां पर त्यौहार मनाए जाते हैं। अभी आप लोगों से भी निवेदन है कि शांति बिल्कुल बनाए रखें, किसी तरह की हुड़दंगबाजी मत कीजिए और भाईचारा हमेशा कायम रहे। लेकिन जीरो ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जनता ये कह रहे हैं कि आपस में भाईचारा है, हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा हमेशा बना रहेगा, ऐसे घटनाक्रम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इकबाल के साथ में हुआ। जो आरोपी है उनको सजा मिलेगी, उनको पुलिस प्रशासन, उनको सरकार उनको सजा देगी, लेकिन आपस में सभी भाईचारा बना के रखें। और यहाँ पर जो माहौल है इस वक्त बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ है, किसी तरह का कोई भी कर्फ्यू नहीं है, एसटीएफ की टीमें ज़रूर हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। तो संवेदनाएँ हैं परिवार को भी नवतेज टीवी की टीम की तरफ से, और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।